सम्मान प्रदान करने का कष्ट करें। कल्याण जैसा कि अभी आदरणीय उत्तम हनुमंत सर ने बताया कि जब हम अपने कार्य को प्रभावी ढंग से करेंगे तो कई बार प्रभावी ढंग से करने में एक इथिक्स और मोरलिटी के बीच विवाद पैदा होता है। उस विवाद में हमें निर्णय लेने में बड़ी समस्याएं आती हैं। तो आदरणीय उत्तम सर जिस विषय को संबोधित करेंगे तो वो इथिक्स और मोरलिटी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को स्पष्ट करेंगे। और जीवन में कई बार जब हम अपने वर्क स्थल पर होते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से चीजों को स्पष्ट करने का एक प्रयास होना चाहिए। किस व्यक्ति के दुख में हमें किस स्तर तक अपनी बॉडी लैंग्वेज से शरीक होना है, किस व्यक्ति के सुख में हमें किस स्तर तक शरीक होना है, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस का विषय है। तो सर उस पर भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं आदरणीय सर से आग्रह करूंगा कि सर अपना वक्तव्य प्रारंभ करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डीबीओ साहब, पटनी के डीबीओ साहब, सारे अभियोजन के अधिकारी। समाज जब शुरू हुआ, मानव ने जब अपनी जीवन यात्रा शुरू की तो मानव के कोई नियम नहीं थे, मानव स्वच्छंद विचरण करता था। धीरे धीरे उस स्वच्छंदता के कारण मानव के जो विकास है उसमें बाधाएं पैदा हुई। उन बाधाओं को पार करने के लिए मानव ने अपने कुछ नियम बनाए, वहीं से समाज की उत्पत्ति हुई, धर्म जुड़ा। और समाज व्यवस्थित रूप से चल सके इसीलिए समाज के आईने के रूप में कानून स्थापित हुआ। कभी भी जब कभी भी समाज और कानून के बीच में साम्यता नहीं होगी तभी समस्या है। इसलिए कानून और समाज के बीच साम्यता खोजी। और इन्हीं बीच से, इसी से एक सब्जेक्ट पैदा हुआ जिसको हम कहते हैं एथिक्स। ऐसा सब्जेक्ट जो हमें यह बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसा सब्जेक्ट जो हमें बताता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मानव के कौन से कार्य अच्छे माने जाए, मानव के कौन से कार्य खराब माने जाए। आपने नाम सुना होगा सिद्धार्थ का, उनके बड़े भाई थे देवव्रत। देवव्रत ने अपने धनुष से एक पक्षी का वध किया, पक्षी के तीर लगा। सिद्धार्थ पूजा कर रहे थे, दयालु चरित्र के थे सिद्धार्थ, वो पक्षी उन्हीं के पास आके गिरा। देवव्रत आए, बोले ये पक्षी मुझे लौटा दो, ये मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा ये मेरा है। बोले तुम्हारा कैसे हुआ? तो बोले मैंने इसको मार के गिराया है इसलिए मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा नहीं, ये मेरा है क्योंकि मैंने इसका जीवन बचाया है। राजा के पास गया मामला, राजा को डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि मैं कौन से कार्य का सहारा। तो राजा ने कहा कि ये पक्षी को बीच में छोड़ दूं, ये जिसकी तरफ जाएगा ये उसी का हो जाएगा। तुलसीदास जी ने एक तौपाई लिखी है, हित अनहित पशु पक्षी जाने, पक्षी को बचाने वाले सिद्धार्थ थे और स्वाभाविक रूप से वो पक्षी सिद्धार्थ की तरफ चला गया और वो पक्षी सिद्धार्थ को ही दे दिया गया। अब इस कहानी में, कहानी नहीं कभी की तो वास्तविकता थी, ये दोनों ने कार्य किए लेकिन वो कार्य जिससे किसी का जीवन बचा, वो कार्य जिससे दया की भावना पनपी, वो कार्य जिससे समाज में दूसरे की मदद करने की भावना पनपी, उस कार्य को ही समाज ने अच्छा माना, उसी कार्य को कहा कि यही नैतिक है। तो समाज के ऐसे कार्य जिनसे समाज में परोपकार पैदा होता है उन्हीं कार्यों को एथिक्स में नैतिक माना जाता है। लेकिन क्या समाज या धर्म हमेशा जो कहे वो सही होता है? क्या समाज और धर्म या कानून भी जिस कार्य को अच्छा माने वो हमेशा अच्छा होता है? नहीं।
हम सबने पढ़ा है स्त्रियों के साथ सती प्रथा की वो अमानवीय घटना, जहां किसी महिला को वही समाज वही धर्म की आड़ लेकर, और कानून चूंकि समाज का प्रतिनिधित्व करता था तो समाज कहता था कि सती प्रथा सही प्रथा है, और पति के ना रहने के बाद महिला का जीवन संभव नहीं होना चाहिए, और समाज उत्सव के रूप में महिला को जिंदा जलाता था, कानून खड़े तमाशा देखता था, धर्म उसको जायज ठहराता। यहां चूंकि सारे लोग समाज से ही पले बढ़े थे तो उनकी अंतरात्माएं, एथिक्स का मतलब, मोरलिटी का मतलब क्या है? एथिक्स का मतलब है जो कानून कहे, जो समाज कहे, जो धर्म कहे, वही एथिकल। तो फिर मोरलिटी क्या है? मोरलिटी का मतलब है जो हमारी अंतरात्मा कहे। तो हमारी अंतरात्मा अलग सोचेगी कैसे? हम जिस समाज में पढ़े, जिस परिवार के हमारे में मूल्य आए, जिस सोसाइटी में हम रहे, जिस दोस्त के बीच हम रहे, जिस परिवार का हम हिस्सा रहे, उस परिवार ने हमें बचपन में जैसे पाला होगा, जैसे ही हमें सुसंस्कृत किया होगा, वही हमारी अंतरात्मा सोचेगी। मुस्लिम के घर पैदा हुआ बच्चा जब बकरा कटता है तो उसकी अंतरात्मा उसे खराब नहीं मानती, क्योंकि बचपन से उसने वही देखा। लेकिन जैन धर्म की अहिंसा का पालन करने वाला बच्चा, कानून वही है, समाज वही है, लेकिन जब वो बकरा कटते देखता है तो उसे खराब लगता है, उसकी अंतरात्मा कोसती है कि क्यों ये हो रहा है। कानून दोनों के लिए समान है, मुसलमान के लिए अलग कानून नहीं है, लेकिन अंतरात्माएं सबकी अलग हैं, क्योंकि पारिवारिक पालन पोषण सबका अलग अलग हुआ। तो मैं बता रहा था सती प्रथा, उस समय के जितने लोग थे सब लोग उसी समाज में रह रहे थे, सबकी अंतरात्माएं नहीं डोली। क्यों? क्योंकि उनकी अंतरात्माओं ने अलग शिक्षा नहीं पाई थी। एक व्यक्ति और पैदा हुआ उसी समय, आपने नाम सुना होगा, राजा राम मोहन राय जी का। राजा राम मोहन राय जी के बड़े भाई खत्म हो गए, और उस समय अधिकांश महिलाएं सती प्रथा का शिकार होती थी। कारण उसका था बेमेल विवाह होते थे, महिलाओं की उम्र कम, पुरुष की उम्र ज्यादा। तो जब 55 साल के पुरुष का 15 साल की 20 साल की लड़की से विवाह होगा तो उसे सती, तो उसे विधवा तो होना ही, और विधवा होना है तो सती होना है। तो राजा राम मोहन राय जी के भाई खत्म हो गए, उनकी आंखों के सामने उनके विरोध करने के बाद भी उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। सबने ये कृत्य देखा, लेकिन अंतरात्मा पूरे समाज की नहीं जागी, राजा राम मोहन राय की जागी। और राजा राम मोहन राय ने उस समय के समाज को कहा कि गलत है, उस समय के कानून को भी कहा गलत है, और उस समय के धर्म को भी कहा गलत है। इसीलिए राजा राम मोहन राय हमारी आपकी तरह नहीं हुए, सदियां बीत गई, लेकिन राजा राम मोहन राय जिंदा हैं, आगे भी जिंदा रहेंगे। जाति प्रथा मानव समाज के ऊपर, हिंदू मानव समाज के ऊपर लगा ही कलंक है, जिसे हम सदियां बीत जाएंगी तब भी शायद नहीं धो पाएंगे। एक नाम सुना होगा परम पूज्य शंकराचार्य जी का। महापुरुष ऐसे थोड़ी बनते हैं, वो व्यक्ति जिसकी अंतरात्मा समाज के उन नियमों को भी गलत ठहरा दे जिन्हें पूरा समाज सही मानता है, वही व्यक्ति तो महापुरुष बनता है। तो शंकराचार्य जी काशी में चले जा रहे थे, रास्ते में एक चांडाल मिला। चांडाल वो होते हैं जो मरने वाले लोगों को चिता देते हैं, सबसे छुआछूत वाली जाति मानी जाती थी। उस समय उनके साथ संतों का एक टोली थी, रास्ते में था चांडाल, उससे कहा अलग हो जाओ। तो शंकराचार्य जी, उसने कहा, चांडाल ने शंकराचार्य जी को कहा, कहां अलग हो जाऊं, किसको अलग कर दूं, इस शरीर को? तो ये शरीर तो उन्हीं पांच तत्वों से बना है जिनसे आपका शरीर बना, चित जल पावक गगन समीरा। इन्हीं पांच तत्वों से आपका भी शरीर बना, इन्हीं पांच तत्वों से तो मेरा भी शरीर बना, फिर मैं छुआछूत का भागी कैसे? आपका शरीर छुआछूत का भागी नहीं और मैं छुआछूत का भागी?
और अगर शरीर को नहीं अलग करना है तो आत्मा को अलग कर दूं, तो आत्मा तो उसी परमात्मा का अंश है जिसका जिसकी जिस परमात्मा का अंश आपकी आत्मा में है, उसी परमात्मा का अंश तो मेरे शरीर में, तो फिर मैं आत्मा को कैसे अलग करूं? और अगर ना शरीर को अलग करना ना आत्मा को अलग करना तो फिर अलग किसको कर दूं? शंकराचार्य की दिव्य दृष्टि खुल गई और उन्हें लगा कि यह चांडाल भले होगा, जाति इसकी कुछ भी होगी, लेकिन ये तो मेरे गुरु होने लायक था। यहीं से शंकराचार्य को अद्वैत की प्राप्ति हुई। अब मैं आपके प्रोफेशन पे आता। आप लोगों के समय में आप लोग स्थापित क्यों किए गए? सबने भी बताया न्याय पाने के लिए। अल्टीमेटली हमारा जो आधुनिक कानून है जिसे हम अंग्रेजों का कानून कहते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? न्याय पाना। हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ है निःशुल्क न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आप लोग निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पीड़ित पक्ष की ओर से पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आप पुलिस के मोहरे में आप पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए स्थापित हुए हैं। एक जज होता है, एक अपराधी की तरफ से वकील होता है और एक तरफ से आप होते हैं। दोनों का उद्देश्य और जज का, तीनों का आपका उद्देश्य होता है कि किसी तरह न्याय पाए। अगर अपराधी निर्दोष है तो वो बरी हो, और अगर अपराधी ने कोई अपराध किया है तो उसे सजा। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? वस्तुस्थिति यह है कि दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष से केवल लड़ते हैं। हमने जिसका केस लिया है वो गलत है या सही है हमसे कोई लेना नहीं। हमें तो सजा, एक को सजा करानी है और एक को सजा से बचाना है। जो अपराधी का वकील है उसकी भी अंतरात्मा शायद मर चुकी होती है सिस्टम में रहते रहते। उसे कोई मतलब नहीं कि उसने 3 साल की बच्ची से रेप किया है या 10 मर्डर एक साथ किए हैं या इस पूरे देश की अस्मिता को उसने दाव में लगाया है। नहीं, उसने हमें अगर फीस दी है तो हमारा दायित्व तो केवल यही है कि हम उसे किसी तरह बचा लें। दुर्भाग्य है कि हर वकील की का एथिक्स कहता है कि अगर उसने केस लिया है तो उसे बचाना है उसे, और दूसरी तरफ आप हैं। आपके समय दो स्थितियां पैदा होती। कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि वास्तव में पीड़ित ही आपके पास आया होगा, वास्तव में उसके साथ अन्याय हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपका एथिक्स भी कहता है, यानी कानून भी कहता है, एथिक्स का मतलब कानून, कि उसे सजा दिलाई जाए, उसके उसको प्रताड़ित करने वाले को सजा दिलाई जाए। और आपकी अंतरात्मा भी यही चाहेगी कि मेरे क्लाइंट के साथ को प्रताड़ित किया गया है, उसकी अंतरात्मा को दुखाया गया है, उसके साथ अन्याय किया गया है, तो हमारा यह दायित्व है कि हम उसे सजा दिलाएं। लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती होगी कि कानून के रिकॉर्ड में तो वो पीड़ित है लेकिन एक्चुअल में वो पीड़ित नहीं है। एक केस हुआ था आपके आसपास के ही न्यायालय में, 2008 का केस है। एक ठाकुर की लड़की और एक ब्राह्मण का लड़का, दोनों नाबालिग थे, नासमझ थे, दोनों घर से भाग गए, पकड़े गए। पकड़ने के बाद आप जानते हैं क्या होता है, लड़की पिता के दबाव में आ गई, लड़का पकड़ लिया गया, लड़के को जेल हो गई। जेल होने के बाद 3 साल करीब वो लड़का बंद रहा, 2.5 या 3 साल ऐसा कुछ बंद रहा। उसके बाद लड़के की भी जमानत हो गई, लड़की अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद लड़का और लड़की दोनों बालिग हो गए, केस अभी भी चल रहा था, और बालिग होने के बाद वो फिर भग गए। दोनों ने फिर भग के शादी भी कर ली, बच्चा पैदा हो गया, केस अभी चल रहा था। कानून कहता था कि उसने नाबालिग के साथ रेप किया है और उससे बेहतर आप लोग जानते हैं, उस हिसाब से उसे सजा होनी चाहिए थी।
और अगर जज केवल कानून का पालन करते तो उसे सजा करते भी, लेकिन जो जज थे वो केवल कानून के सतही ज्ञान वाले नहीं थे। उन्होंने कहा मैं एक रात सोया फैसला लिखने के पहले, मुझे लगा कि अगर मैं इसे सजा कर दूंगा तो आज जब ये पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, बच्चा है इनका और वो बच्चा लेके ही कोर्ट आती थी लड़की, पहले उसने उस लड़के को फंसाने के लिए कोर्ट आई हो और बाद में इस आशा भरी निगाह से कोर्ट आने लगी कि अब तो वो मेरा पति है, वो छूट जाए। जज ने कहा कि मुझे लगा कि अगर मैं कानून का अक्षर से पालन करके इसे सजा दूंगा तो कानून की निगाह में तो हो सकता है कि ये सजा ये न्याय कहलाए, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा के हिसाब से तो इसे न्याय नहीं मानूंगा। मैंने कहा मैं ढूंढने लगा कि आखिर इसमें मैं क्या, अब हमारी आपकी एक सीमाएं भी है कि हम भावनाओं के वशीभूत होकर भी तो कोई निर्णय नहीं ले सकते, उसे भी तो देखना है, इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है। हमें भावुक तो होना है, क्योंकि भावुक नहीं होंगे तो हमारे में संवेदना नहीं होगी और बिना संवेदना का कोई भी प्रशासक कोई भी अधिकारी समाज के किसी कार्य में आ सकता। तो संवेदना तो हमें होनी चाहिए, लेकिन संवेदना के साथ बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए। 2013 के पहले एक प्रावधान था ऐसे केसों में कि 7 साल की सजा करना है, 2013 के बाद शायद बढ़ गई है वो सजा, लेकिन अगर जज को कोई विशेष बिंदु ऐसा मिलता है तो जज चाहे तो उस सजा को 7 साल से कम भी कर सकते हैं। उसी ग्राउंड पर उनकी मॉरलिटी जागी, जज की अंतरात्मा जागी और उन्होंने उतनी ही सजा दी 2.5 साल की जितनी सजा वो पहले ही व्यतीत कर चुका था और बाकी का उनका पूरा जीवन बच गया। मेरा कहना केवल ये है कि आप लोग इतनी महत्वपूर्ण जगह में, इतनी महत्वपूर्ण जगह में कि यदि आप अपनी अंतरात्मा को जागृत करके अपने कार्य को अंजाम दें तो ना जाने कितने बेगुनाहों को आप बचा सकते हैं, ना जाने कितने दरिद्रों को आप जेल की सलाखों में भेज सकते हैं। आपका जो कार्य है इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना उसी के लिए बनी, समाज में जो सामाजिक न्याय लिखा है, प्रस्तावना में जो आर्थिक न्याय लिखा है, उसकी सही में अभिपूर्ति, उसके उद्देश्यों तक उसे पहुंचाना आपकी ही जवाबदारी है। आप लेकिन हमारे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कानून का बहुत सा अच्छा ज्ञान है, लेकिन बहुत सारे कार्य केवल बुद्धि से नहीं होते, कानून के ज्ञान से भी नहीं होते। 1990 के पहले तक यह माना जाता रहा कि अगर किसी व्यक्ति में बुद्धि याद करने की क्षमता है, कानून के सेक्शन उसने याद किए हैं, गणित के फार्मूले उसने पढ़े, तो वो जीवन में सफल ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने एकेडमिक फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, आयोग की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर रहे थे, टॉपर था अपने बैच का, लेकिन जब वो अपने कार्य क्षेत्र में आया तो स्थितियां पलट गई, वो व्यक्ति ज्यादा सफल हो गया जो एकेडमिक फील्ड में पीछे था, और वो पीछे रह गया जो अपने एकेडमिक फील्ड में बहुत आगे। इस पर शोध हुआ ऐसा कैसे होता है, हम ये मानते थे कि जिस पे बुद्धि अच्छी है वो सफल होगा, तो फिर वो सफल होता क्यों है? तो 1990 में एक थिंकर आए डेनियल गोलमैन, उसने कहा बुद्धि का एक प्रकार और है, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो आपकी रटने वाली बुद्धिमत्ता से अलग है। कोई भी व्यक्ति जिसमें बहुत अच्छी तार्किक क्षमता है पर अगर उसमें अपने आदतों और व्यवहार पर कंट्रोल नहीं किया तो वो जीवन में सफल नहीं होगा।
इमोशंस होते क्या है? इमोशंस है हमारे अंदर जो किसी के प्रति प्यार की भावना आती है, किसी के प्रति नफरत, जो दुखी होने की भावना पैदा होती है, जो तनाव आता है, जो चिड़चिड़ापन आता है, वो क्यों आता है? हम इसे आप बहुत सारे लोग सोचते ही नहीं कि वो क्यों आता है, बस हम जिंदगी जिए जा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे क्यों आता है। उसने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस जिसमें अच्छा होगा वो सफल होगा, और इमोशनल इंटेलिजेंस में पांच चीजें हैं। पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता। हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारी अपनी भावनाएं क्या है, और अगर हम ये जान गए कि हमारी भावनाएं क्या है, हमें कब गुस्सा आता है, हमें कितना गुस्सा आना चाहिए, और अगर गुस्सा आया तो उसका प्रकटीकरण कितना होना चाहिए। हम इसे अधिकांश लोग, खासकर महिलाएं, पुरुष भी बहुत कुछ तक, किसी दूसरी वजह से गुस्सा है। बच्चे ने थोड़ी तरारत की, उठाया डंडा या थप्पड़, जो भी हुआ, जरूरत से ज्यादा मार, भावनाएं कहीं से उनकी उत्तेजित है, उतरा कर। तो जब तक किसी भी व्यक्ति की भावनाओं का जो प्रकटीकरण है वो समयानुकूल नहीं होगा तो वो बुद्धिमान कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें हंसना कितना है, हमें बोलना कितना है, हमें गुस्सा कहां दिखाना है और हमें कहां नहीं दिखाना। जिस व्यक्ति में ये गुण है वही तो जीवन में सफल है। एक भावना पे काबू नहीं कर पाया था एक करेक्टर, क्योंकि ईश्वर की मां थी, भरत समान पुत्र की मां थी, दशरथ समान राजा की रानी थी, सारी अच्छाइयां थी। उस दशरथ को, जिस दशरथ को उन्होंने युद्ध में बचाया था, लेकिन एक बार केवल उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं किया, केवल एक बार, और उसके उस भावना के वशीभूत होकर उनके मन में केवल एक लालच पैदा हुआ कि मैं अपने पुत्र भरत को सत्ता दिला दूं और राम को वनवास भेज दूं। उनके एक भावनात्मक असफलता ने उन्हें इस पृथ्वी की सबसे कलंकित मां बना के रख दिया। शायद ही कोई पुत्र पिता अपने किसी संतान का नाम कहके ही कभी रखेगा। सिर्फ एक बार, एक जीवन के किसी भी पड़ाव में अगर आपने कभी भावनात्मक बड़ी गलती की, वह आपके जीवन की अंतिम गलती साबित होकर रह जाएगी। दूसरी चीज और भी है, हम जब भावनाओं पर नियंत्रण करने की बात आती है, दूसरा एक शब्द तुमने और कहा था कि स्व जागरूकता तो हुई, स्व प्रबंधन भी, मतलब हम ये केवल जाने ना कि भावना कितनी व्यक्त करनी है, हम बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि कब व्यक्त करनी है। और इतना भर नहीं, सामने वाले की भावनाओं का भी ख्याल रखना है। बहुत बार आप देखे होंगे हम केवल इसकी चिंता करते हैं कि हमें क्या खराब लगता है, हम इसकी चिंता नहीं करते सामने को कि पहले को क्या खराब लगता है। आपके घर में जितने इस समय परिवार टूट रहे हैं उसका कारण ये है, क्यों? क्योंकि हमें अपनी, हमें कुछ खराब लगता है तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे घर में हमें जो खराब लगता है वैसी कोई बात ना करे। लेकिन हम अपने परिवार के, ना तो अपने पिता की भावनाओं का ख्याल रखते, ना अपने पत्नी की भावनाओं का ख्याल रखते, ना अपने भाई की भावनाओं का ख्याल रखते। ऑफिस आते हैं तो अपने कलीग की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते, अपने अधिकारी की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते, कोर्ट जाते हैं तो जज की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते। सिर्फ हमें अपनी भावनाओं की चिंता है, हमें अपने ईगो की चिंता है, सामने वाले के साथ हमारे ईगो क्या है, उनकी समस्या क्या है, हमें मतलब नहीं है। आप ये सोचिए कि जब हम इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि हमें केवल अपनी भावनाएं दिखेंगी तो फिर हम सामाजिक संबंध बनाएंगे कैसे, हम समाज में साम्यता स्थापित करेंगे कैसे। एक वर्ड आपने सुना होगा, सहिष्णुता, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कि हम उसके भी विचार सुन सके जिसे हम नहीं पसंद करते। जरूरी नहीं है, समाज विविधता भरा है,
समाज में अगर हमारे अनुरूप विचार करने वाले लोग होंगे तो समाज में हमारे प्रतिकूल विचार रखने वाले लोग भी होंगे। तो अगर हम उससे जुड़ नहीं पाएंगे तो फिर हमारी साम्यता स्थापित होगी कैसे? हम समाज को जोड़ेंगे कैसे? हम तो समाज को तोड़ेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज होती है मोटिवेशन, प्रेरणा। मोटिवेशन का एक सिंपल अर्थ है इच्छा शक्ति जागृत करना। जिस कार्य में है उस कार्य को करने की इच्छा शक्ति जागृत करना ही मोटिवेशन। हम में से आप सब लोग चाहते हैं कि हम अभियोजन में सफल हो जाएं, अपनी पारिवारिक जिंदगी में सफल हो जाएं, अपनी सामाजिक जिंदगी में सफल हो जाएं, अभियोजन का एक बड़ा चेहरा बन जाए। लेकिन चाहना और करना दोनों अलग अलग चीज है। हम चाहते तो हैं, और जब हम किसी को सफल आदमी को देखते हैं तो हमारे अंदर प्यास जगती है कि इसका सम्मान हो रहा है, काश हमारा भी सम्मान। लेकिन उसके में हमारे में अंतर क्या है? वो सोचता भर नहीं है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना भी जानता है। उसकी इच्छा है कि मैं कोर्ट ना जाऊं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को अपनी भावनाओं पर हावी नहीं होने देता, वो जाता है। थकान लगी है तब भी जाता है। तो समाज तो कार्य करने वाले का सम्मान करता है, समाज तो कार्य करने वाले की पूजा करता है, कार्य से भागने वाले को कौन देखता है? तो अगर हम में प्रेरणा है, हम इच्छा शक्ति जागृत किए हैं, एक दो थिंकर हुए हैं, एक हुए हैं अरस्तु और एक हुए हैं सुकरात। सुकरात ने कहा कि अगर ज्ञान हो जाए तो हम बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। सुकरात अरस्तु ने कहा नहीं, ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उस ज्ञान के अनुसार हमने आदत अपनी सुधारी या नहीं सुधारी। और जरूरी नहीं है कि ज्ञानी आदमी की आदतें अच्छी ही हुई। ज्ञान जब तक आचरण का हिस्सा नहीं बनेगा, ज्ञान के अनुसार जब तक आपकी आदतें नहीं सुधरेंगी तब तक आप समाज का भला नहीं करेंगे। आप केवल समाज को कोरे शब्दों का ज्ञान देके समाज को आदर्श की ओर नहीं ले जा सकते। तो आचरण सुधारना पड़ेगा। और हम में से आप जितने लोग बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज हम आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो ज्ञान जानते हैं अगर उसका 30% भी हम अपने आचरण में समाहित कर पाए तो न केवल अपना जीवन सफल करेंगे बल्कि अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे ऑफिस का और ना जाने कितने पीड़ितों का जीवन सफल करेंगे। एक शब्द और बोला उन्होंने, समानुभूति। संधि विच्छेद करिए, अर्थ होता है समान अनुभूति। आपके पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट बहुत कई बार ऐसा होता होगा कि बड़ा दुखी आया, उसके साथ बहुत अन्याय हुआ, लेकिन हम प्रोफेशनली हम सबकी आत्माएं मर चुकी होती हैं। डॉक्टर के पास जाओ तो उसकी मरीज चिल्ला रहा है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही हाल हम लोगों का है। हमारे पास क्लाइंट आया है, उसके घर में किसी का मर्डर हो गया है, उसके घर में किसी को का अपहरण हो गया है, वो हमसे रो रो के अपनी व्यथा सुनाई पड़ा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी संवेदनाएं जाग ही नहीं रही। आप सोचिए कि अगर हम भी इन्हीं हालातों में दूसरी जगह जाए और वहां हमारे साथ भी यही बिहेवियर हो तो हम कैसा सोचेंगे उस व्यक्ति के बारे में? जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारा बेटा या हमारी बहन या हमारी बेटी तड़प रही होती है दर्द से और डॉक्टर आकर बिना भाव के केवल प्रिस्क्रिप्शन लिख के चला जाता है, तब हमारे अंदर कैसा भाव पैदा होता है? यही स्थिति में कभी आपके पास पीड़ित भी आता होगा। अगर आप लोग दो शब्द पीड़ित से उसकी संवेदना अनुसार व्यक्त कर दें तो शायद आधा उसका इलाज, आधा केस उसी समय वो जीत जाएगा। लेकिन नहीं, हम उसके फाइल पढ़ के और वहां पर रिप्रेजेंट करना ही केवल अपना दायित्व मानते हैं। और इसीलिए तो फिर हमें समाज में सम्मान नहीं मिलता, उसकी राय हमारे प्रति निगेटिव बनती है। टीचर भी है, अगर वो छात्र की परेशानी से कोई मतलब नहीं रखे तो फिर टीचर को छात्र श्रद्धा के भाव से क्यों देखेगा? नहीं देखेगा। तो समान अनुभूति होनी चाहिए। हम दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना सीखें,
हम उसके भावनाओं में बहे भले ना, लेकिन जिस समाज का हम हिस्सा है, अगर उस समाज के परंपरा अनुसार उसकी भावनाओं से थोड़ी बहुत हम भी शेयर कर ले उसकी भावनाओं को, उसकी भावनाओं में दुखी हो ले, तो शायद वो व्यक्ति आजीवन आपको भूलेगा नहीं और जिंदगी भर याद कर रखेगा कि किसी लोक अभियोजक ने मुझे वो उस दुख में भी उस आत्मीयता का आनंद दिया जिसको मैं आजीवन नहीं भूल सकता। और इन सबसे परे अंतिम चीज जो उसने कही, उसने कहा सामाजिक कौशल होना चाहिए व्यक्ति में। किसी भी धंधे में जाता है, किसी भी प्रोफेशन में है, अगर उससे संचार करते बनता हो, संचार का मतलब केवल शब्द बोल देना नहीं, संचार से केवल शब्द नहीं ट्रांसफर होनी चाहिए, भावनाएं भी ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर आप दुख वाली बात भी खुशी के साथ बताएंगे तो बोल शब्द तो वही होंगे लेकिन भाव नहीं जाएंगे और आपका जो संचार है वो कभी भी प्रभावी नहीं होगा। अगर आप दुख की बात भरे रोधे गले से बोलेंगे तो शायद वो सामने वाले की पीड़ा को आधे से ज्यादा समाप्त कर देगा, और वही बात वो दुख में भरा है और शब्द वही है, लेकिन आप अगर हंस के व्यक्त करेंगे तो आप उसकी पीड़ा को बढ़ाएंगे, उससे आपको कोई जुड़ाव नहीं होगा, वो आपसे दूर भागेगा, वो भर नहीं आपके साथ वाला भी। हम आज का जो समाज है लगातार औपचारिक होता जा रहा है। हम आप किसी के दुख में पहुंचते हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, जाना चाहिए, अंदर से भाव नहीं आता। जब अंदर से भाव ही नहीं है तो दुख कहां से व्यक्त होगा? हम महसूस ही नहीं करते कि उसकी मां खत्म हुई तो उसे दुख हुआ होगा। तो जब हम महसूस ही नहीं करते तो हम किसी की भावनाओं को समझेंगे कैसे? और जब हम किसी के दुख को महसूस ही नहीं कर पा रहे तो हम उसके लिए लड़ेंगे कहां से? तो महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने अंदर भावनाएं जगाएं, लेकिन भावनाएं जगाने का एक बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम उसकी भावनाओं में डूब जाएं। हमें भावनाएं जगाना तो है, लेकिन भावनाएं व्यक्त कितनी करनी है यह हम उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करना है, नहीं तो हम मूर्ख भी बनाया जा सकता है भावनात्मक बुद्धि। भावना अगर बुद्धि नहीं है तो भावनाओं को जगा के सामने वाला आपसे कुछ गलत भी करा सकता है। इसलिए जिस भी व्यक्ति में अपनी भावनाओं को पहचानने और उसका प्रबंधन करने, सामने वाले की भावनाओं का ख्याल रखने की इच्छा शक्ति होगी और क्षमता होगी, योग्यता होगी, वो जिस भी फील्ड में होगा सफल होगा और उसी का गुणगान किया जाएगा, सफलता के वही नए आयाम स्थापित करेगा। नहीं तो कानून की किताबें तो आप सबने पढ़ी है, पर फिर भी परफॉर्मेंस सबका एक समान नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक में वो गुण है जिसकी शिक्षा किसी किताब में नहीं, आपके आचरण में समाहित होने पर मिलेगी। इसलिए उसकी प्रैक्टिस करिए, अपने घर में भी, आज जितने परिवार टूट रहे हैं, समाज में जो दूरियां बढ़ रही हैं, हम आप में जो दूरियां बढ़ रही हैं, उस सब का कारण यही है कि हम सब केवल किताब का अध्ययन करके किताब के तर्क समाहित किए हुए हैं, उसके तर्क से जो आचरण का निर्माण हमें करना चाहिए वो हमने नहीं किया, उसी का परिणाम है कि हम इस मुकाम पे हैं। मेरे ख्याल से शायद सबको जाना होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे अवसर देने के लिए। और वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय सर, आपने हमारे व्यावसायिक दृष्टांतों के माध्यम से मोरलिटी और एथिक्स के बीच टकराव को दूर करने का जो उपाय बताया है वो निश्चित ही हम लोगों के उपयोग में आएगा। और हमारे सनातन धर्म का एक वाक्य है कि मन कर्म वचन में साम्यता होनी चाहिए, तो उसको आपने बड़े सरल तरीके से ज्ञान और आचरण की साम्यता के माध्यम से संबोधित किया है, जो निश्चित ही हम लोगों को प्रकाशित करेगा। आदरणीय आप इस कार्यक्रम में पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आदरणीय डीपीओ सर से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम समापन की घोषणा के साथ साथ अतिथि का आभार व्यक्त करने का और हमारे जो अलग अलग स्थानों से विभिन्न अधिकारी आए हैं उनको आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। आदरणीय डीपीओ शर्मा जी, हमारे गौतम जी और द्विवेदी जी, मैडम ममता पांडे जी तथा हमारे सतना श्री अरवली से आए डीपीओ साहबान, यूडब्ल्यू से सारस्वत जी और पीटीएस से नहीं आए, चलिए और हमारे जिले के देवथल, महूगंज और सिरमौर के सभी अभियोजन अधिकारी आप सब लोग आए।